हे गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज अभिषेक एंड यू वाचिंग स्वीट चाइम्स। सो आज का वीडियो है जेम में एक नया अकाउंट बनाना है उसके रिगार्डिंग। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ जेम की वेबसाइट में हम गए, साइनअप के अंदर सेलर हमने सेलेक्ट किया, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन कर लेते हैं। आई हैव रेड, डन। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशंस को सेट कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है जो मैंने आपको शेयर किया है अभी आप जो देख रहे हैं, तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेट्स सी। कस्टमर ने मेरे को मैसेज किया हुआ है, टीम आधार मोबाइल नंबर। ऐसा लगता है जैसे कि सेलर ने ऑलरेडी कोशिश की है अकाउंट बनाने की। इसमें आ रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो पूछ रहा हूँ मैं कस्टमर से क्या सीन है। अभी मैं उससे आईडी पासवर्ड मांग रहा हूँ जो उसने अकाउंट बनाया था। हेलो सर, जस्ट टेल मी वन थिंग, हैव व्हेन यू ट्राइड ओपनिंग दैट अकाउंट, हैव यू यूज दैट पैन कार्ड इवन? सर नहीं, एक्चुअली मेरे को एक मेल आया था 14/4/2021 में, तो हाँ उसमें आया कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज अ सेलर टीम टेक सॉल्यूशंस ऑन जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, सर यूजर आईडी इज UDYAM। हाँ आप एक काम करो, बोलिए। आप जो उसमें यूजर आईडी आया था वो यूजर आईडी मेरे को भेजो हाँ ईमेल पे, ओके। जो यूजर आईडी आया था मैं एक बार देख लेता हूँ उसको लॉगिन करके। तो भाई समस्या ये है कि पता नहीं कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने तो ट्राई किया होगा बनाने का, कस्टमर को उसके बारे में पता नहीं है। यूज़र आईडी है उसके पास, ईमेल पे आया था। तो अब हम आगे का प्रोसेस वहाँ से ही चालू करेंगे जहाँ से इनकरेक्ट है। सर ये तो उद्यम आधार है। हाँ, केसेस ऐसे फंस जाते हैं तो हैंडल करना पड़ता है इनको भी। लेट्स सी कस्टमर को क्या मेल आया है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है कस्टमर मेरे को। अच्छा तो ये यूज़र आईडी ही है, मेरे को लगा उद्यम आधार का नंबर होगा। अब पासवर्ड तो है नहीं कस्टमर के पास इसका, तो अपने को रीसेट करना पड़ेगा। कस्टमर के पास ओटीपी गया होगा, ओटीपी ले लेते हैं उससे। सर कोई ओटीपी आया है? हाँ, मोबाइल पे आया होगा जैम से, मोबाइल पे जैम से आया होगा। नहीं आया, चलिए मैं ईमेल पे भेजने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, लाइन पे रहिए आप। देखो ईमेल पे आया, ओटीपी नहीं आएगा, एक लिंक आएगा सर, लिंक। हाँ, पासवर्ड रीसेट करने का लिंक आएगा। हाँ, नया पासवर्ड डाल देते हैं।
लेट्स सी कहाँ तक प्रोसेस है कस्टमर का। सो बेसिकली 50% कंप्लीट है प्रोफाइल, पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देता हूँ कस्टमर की। तो वही ये भी कंप्लीट हो गया, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन करना है। थिस 49365.85। ओटीपी मांग लेते हैं कस्टमर से, 777630 सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया भाई, 80% हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई की डिटेल। हाँ तो इसमें क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक्चुअली उद्यम आधार की वेबसाइट में अब एक ऑप्शन आ गया है जैम वाला, जैम रजिस्ट्रेशन का। तो उसमें उन्होंने क्लिक किया होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका इसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसलिए जैम का हाफ रजिस्ट्रेशन जैसा हो गया। डिटेल्स कंप्लीट नहीं हुई, बस वो जो आपको डिटेल्स उद्यम आधार में भरी थी वही डिटेल्स इसमें भी आ गई। अच्छा हाँ, तो इसलिए ये मतलब आपका जो है पहले ही रजिस्टर्ड बता रहा था। अभी मैंने यही डिटेल जो है उन्हीं डिटेल के साथ मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके ओके, है ना। अभी कुछ और डिटेल लगता है तो मैं बताता हूँ आपको। वो सर्टिफिकेट मेरे को आप भेज दो उद्यम आधार का। हाँ व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। तो भैया ये एरर आ रहा है इनके उसमें। ये ना आपने जिस टाइम ये उद्यम बनवाया होगा उस टाइम उसमें वो अलग दिया होगा, पैन कार्ड नंबर कोई दूसरा दिया था क्या? समझा नहीं। जब आपने उद्यम आधार बनाया था तो उसमें दूसरा पैन कार्ड नंबर दिया था क्या? एक ही पैन कार्ड है सर, हमारा कंपनी का पैन कार्ड एक ही है। शायद अलग हो रखा है उसमें, रुको मेरे को वो उसमें ठीक करना पड़ेगा। उद्यम आधार में है ना, पैन कार्ड में करेक्शन करना पड़ेगा। पैन कार्ड तो पर्सनल पैन कार्ड तो नहीं दिया ना हम, तो कंपनी पैन कार्ड दिए थे उस टाइम उद्यम बनाने के लिए। तो नहीं कुछ तो गड़बड़ की है। किसने बनाया है ये, आपने खुद बनाया है क्या? हाँ सर मैं ही बनाया था सर उस टाइम पे, बैंक का जो लिंक है ना उसके थ्रू से उद्यम रजिस्ट्रेशन। क्योंकि क्या है मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ एरर क्या आ रहा है आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ थोड़ा साइड भी स्लो चल रहा है, नहीं चेक करना पड़ेगा उसमें कौन सा पैन लगाया है। उद्यम का ओटीपी आएगा तो बताइएगा आप। अभी बताता हूँ सर आपको। हाँ अभी मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं आपको मैसेज डाल दूँगा। इसमें खुल रही है, इसमें भी खुल गया। पैन गलत कर रखा है कस्टमर ने। ओहो चलो इसका पैन का ऑप्शन अभी ख़त्म कर देते हैं, मतलब एमएसएमई का ऑप्शन खत्म कर दिया, इसको नो कर देता हूँ। की पर्सन वैलिडेशन कर लेते हैं। यस नाम मैंने आधार वाला ही डाल दिया। 100% कंप्लीट हो गया प्रोफाइल। अब डीओई कंप्लायंस के लिए दिखा रहा है, डीओई कंप्लायंस कर लेते हैं। चलो भाई ये भी हो गया, क्वेश्चन में नहीं रह गया बस। क्वेश्चन मनी के लिए मैंने कस्टमर का जो अकाउंट बनाया है वो बनाया एक्सिस बैंक में, क्योंकि एक्सिस बैंक में आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत ट्विस्टेड था क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि कस्टमर ने जो अपना प्रोफाइल बनाया था उद्यम आधार पर, उद्यम आधार से ही उसमें क्लिक कर दिया था जैम लॉगिन पे, तो जैम का भी बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट बन गया। इस वजह से जब उसकी ईमेल आईडी में लगा रहा था तो ईमेल आईडी से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था,
और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड जो है रिसेट किया उस आईडी से, जो उसका उद्यम आधार था वही उसकी आईडी थी जैम की, उससे पासवर्ड रिसेट किया, फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस का कंप्लीट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।